तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि सीनियर्स। आज हम यहाँ पे बात करने वाले वाता बॉडी टाइप के ऊपर। पहला मैंने एक वीडियो बनाया है, वो है पित्ता बॉडी टाइप के ऊपर, तो उसको भी आप देख सकते हो। ये वीडियो की सीरीज में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर पता करना है कि आपके बॉडी का टाइप कौन सा है, और अगर आपको कुछ भी पता नहीं, अभी तक आपने सोचा भी नहीं था, तो ये वीडियो देख कर आपको आई थिंक गेस तो हो जाएगा कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है। अगर आपको उसके डिटेल में जाना है तो आप किसी प्रोफेशनल से मिल सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे देखेंगे वाता बॉडी टाइप। अब ये वाता बॉडी टाइप होता क्या है और ये कौन से एलिमेंट से बनता है, तो मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला है कि आपका जो बॉडी का टाइप है वो बनता है फ्रॉम टू एलिमेंट्स। आज का टाइप है वाता, तो वाता बनता है फ्रॉम एयर एलिमेंट एंड सेकेंड इज द ईथर एलिमेंट। तो पहले तो हमें समझना चाहिए एयर एंड ईथर होता क्या है। एयर तो आपको पता है, एयर हमेशा फ्लो होती रहती, एक जगह पे कभी रुकती नहीं है। हम एक जगह पे अगर सपोज कलरफुल एयर है तो हमें दिखाई देता है कि अभी इधर है, बाद में उधर है, बाद में उधर जाएगी, मतलब वो एक जगह पे कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। और फिर ईथर क्या होता है, ईथर को आप स्पेस कह सकते हो। अब स्पेस का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो वो स्पेस के वजह से एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझ में और कैमरा के बीच में कुछ तो स्पेस है, अगर स्पेस होती ही नहीं तो मैं शूट नहीं कर पाता। उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी स्पेस होती है। हमारी बॉडी मेटल जैसी डेंस नहीं है, उसमें स्पेस है, और उसी के वजह से ये जो स्पेस एलिमेंट है, दैट इज़ द ईथर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, जब कंबाइन हो जाता है तो जो प्रकृति बनती है उसी को वाता प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ पे अब अभी हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा अगर इसमें जो भी क्वालिटी हो। अगर मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो अगर क्वालिटी आपके पर्सनैलिटी से मैच हो रही है तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि आपकी कैटेगरी वाता के अंदर आती है। ये लोग कैसे होते हैं, उनका बेसिक एलिमेंट एयर एंड ईथर है, तो एयर कैसा होता है, हमेशा फ्लो होता रहता है। तो ये लोग कैसे होते हैं, अगर आप इनके साथ कहीं फंक्शन में जाते हो, वो आपको बोलेंगे इधर ही रुकना, मैं 2 मिनट में बस आता हूँ, और वो 2 मिनट में आपको 10 जगह पे दिखेंगे। और जब आप उनको ढूंढने जाओगे तब तक वो उसी जगह पर आकर बैठ भी जाते हैं, और वो बोलते मैं तो तुम्हारी राह देख रहा था। इनका नेचर ऐसा रहता है, वो कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं है। आपको ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसके वजह से बहुत सारी पर्सनैलिटी, आपके दोस्त भी शायद आपको याद आए होंगे, आपने कॉलेजेस में भी देखा होगा, कॉलेज में आपके दोस्त होते, वो बोलते 1 मिनट के लिए बस मेरी बैग पकड़, मैं 2 मिनट में आता हूँ, और वो 10 मिनट के बाद ही आते हैं क्योंकि वो घूमते रहते हैं। अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो वाता के अंदर आती है। सेकेंड बात होता है कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो एक जगह पे रुकते नहीं, मतलब मल्टीपल लोगों से मिलते रहते हैं, और जब वो मिलते हैं तो बात करते, बात करने तो उनको कम्युनिकेशन कैसे करना है बहुत अच्छे से पता होता है, उनकी प्रैक्टिस भी होती है, इसलिए उनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो इंथुजियास्टिक होते हैं, हमेशा बहुत अच्छी एनर्जी होती है, इसीलिए वो इतना कुछ कर पाते हैं। वो आउटगोइंग नेचर के होते हैं, वो इंट्रोवर्ट कम होते हैं, मतलब वो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करने में बिलीव करते हैं। वो ऐसे नहीं आपको मिलेंगे कि कहीं पे बैठे हैं और कुछ सोच रहे, ऐसे नहीं मिलेंगे, वो हमेशा मूव होते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं। वो इतने अलग अलग जगह पे जाते, इतने अलग अलग लोगों से मिलते, सिचुएशन को फेस करते, तो उसके वजह से उनका नेचर क्रिएटिव होता है, वो हर एक चीज़ को अलग ढंग से करने का ट्राई करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी वाइब्रेंट होती है, वाइब्रेंट का मतलब क्या, कोई एक पर्सनैलिटी है जिसमें ज़्यादा एनर्जी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको आप पित्ता से कंपेयर करो तो पित्ता में भी ये पर्सनैलिटी होती है, ये क्वालिटी वहाँ पे होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि विथ मैच्योरिटी होती है। अगर वो पर्सन अगर किसी रूम में एंट्री कर रहा है पित्ता वाला, तो वो दिख जाता है कि ये पर्सन जो अंदर आ रहा है उसको देखकर हमें कुछ लगता है कि ये कॉन्फिडेंट है। लेकिन जो वात वाले लोग होते हैं वो भी ऐसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे, उनकी पर्सनैलिटी वाइब्रेंट लगती है, लेकिन उतनी डेप्थ उस पर्सनालिटी में नहीं होती जितनी पित्ता वालों में होती। इसलिए बहुत बार जो वात वाले लोग हैं उनसे लोग ये भी कहते हैं कि आपको स्टेबल होना चाहिए, एक जगह पे टिकना चाहिए, ये एक निगेटिव साइड भी उनकी हो सकती है। लेकिन अगर वो ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे उनको ये चीज़ चाहिए, जैसे मार्केटिंग में है, शायद वो MR है या वो न्यूज़ रिपोर्टर है, तो वहाँ पे ये क्वालिटी उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। लोग इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिन करना उनको बहुत पसंद है, और बहुत अच्छे से इमेजिन भी करते हैं।
कोई भी चीज़ सीधे सीधे नहीं करेंगे, कुछ क्रिएटिव लाते हैं, और अगर क्रिएटिव है तो वहाँ पे इमेजिनेशन तो आ ही जाता है। इनकी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होती है, ये खुद को फ्लेक्सिबल कर पाते सिचुएशन के हिसाब से, खुद को मोल्ड करते, इसलिए एडवर्स कंडीशन में भी ये खुद को सस्टेन कर जाते। अगर कोई एडवर्स कंडीशन हो तो वहाँ पे ये ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते जिससे सामने वाले का और खुद का भी फायदा हो, बस ये सिचुएशन को क्योर करके आगे बढ़ जाते। लेकिन यही कंपेयर करो पित्ता वालों में, तो पित्ता क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, लेकिन वहाँ से वो नॉलेज लेने का ट्राई करते कि मुझे यहाँ से क्या मिला। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी इतनी मूवेबल होती है वात वालों की कि वो बस सिचुएशन को ओवरकम करके आगे जाते, वहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या मिला, ये सोचने का उनका माइंडसेट कभी रहता नहीं, क्योंकि वो हमेशा फास्ट चाहते उनकी लाइफ। तो इसलिए ये एक यहाँ पे पॉजिटिव भी साइड है और निगेटिव भी साइड है। ये लोग सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते इसीलिए अलग अलग लोगों से बात करके सिचुएशन को हैंडल कर पाते। ये लोग स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है अचानक से उनको बताया अभी करनी है, तो वो ज़्यादा सोचते नहीं है, वो चीज़ों को कर देते हैं, बहुत नेचुरली करते हैं। उसके वजह से वो जो करेंगे उसमें उनका खुद का एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, इसलिए वो जहाँ पे जॉब करेंगे या उनका कोई बिजनेस होगा या कोई भी क्रिएटिव काम करेंगे तो उनके जैसा काम और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनमें उनका खुद का फ्लेवर होता है। वो मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा नहीं करते, जैसे टू डू लिस्ट है तो उसमें भी वो कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ अलग करेंगे, इसीलिए वो ये क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है, वो कुछ नया करते हैं हमेशा। और वो सोशल भी होते हैं, क्योंकि सोशल तो है ही, क्योंकि इतने सारे लोगों से मिलते हैं कि उनकी आदत हो जाती है लोगों से बात करने की, उनको बहुत सारी जगह की न्यूज़ पता होती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट इज़ लाइक एक न्यूज़ सेंटर जैसा उनका दिमाग होता है, मतलब उनको सब कुछ पता होता है, इसलिए वो सोशल होते हैं। ये लोग बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ को लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, क्योंकि उनका नेचर ये है कि कोई भी काम को फास्ट करना होता है। उसके बाद ये टॉकेटिव होते हैं, बहुत सारे लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन उनका बेसिक नेचर ही टॉकेटिव है, मतलब अगर वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उस रिकॉर्डिंग को अगर हम सुने तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 90% बात वही करते हैं, और अगर उनके सामने सेम पर्सनैलिटी वाला बंदा है तो शायद वो दोनों ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का नेचर है कि मुझे किसी को कुछ बताना है, तो इसलिए उनका ज़्यादा मैचअप नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पाए। अब बात आती है कोई भी पर्सनैलिटी की दो साइड होती है, तो वाता की ये मैंने आपको पॉजिटिव साइड बता दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे निगेटिव, निगेटिव वही बात आती है कि उनकी जो पर्सनैलिटी का जो मेन पॉइंट है वो है कि वो हमेशा घूमना चाहते हैं, लोगों से खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर किसी वजह से ये वो नहीं कर पाए तो उनके अंदर क्या क्या निगेटिव साइड्स आती है वो भी हमें देखनी चाहिए। वो फियरफुल बन जाते हैं, हर एक चीज़ में उनको फियर लगता है कि मैं अभी क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, सोचना उनके, वो ज़्यादा कभी सोचते नहीं, पॉजिटिव हो तो भी नहीं सोचते, बस वो उनको काम करना पसंद है, इसलिए वो फियरफुल हो जाते हैं। तब सेकंड होता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते जल्दी से, क्या करूँ अभी, उनको समझ में ही नहीं आता जल्दी, क्योंकि अभी वो फियरफुल हो गए। उसके बाद ओवर एग्जर्ट हो जाते हैं, मतलब किसी को प्रेशराइज करेंगे, ये मुझे चाहिए और तुझे यही करना चाहिए, यही करना चाहिए, तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती। वो किसी भी जगह पे टिकते नहीं है, इसलिए उनकी मेमोरी पोअर होती, क्योंकि कहीं पर जाकर ठहर के उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसको मेमोराइज करना, उसको समझना उनको नहीं आता, इसलिए उनकी मेमोरी भी पोअर। सबसे डेंजरस चीज़ होती है एब्सेंट माइंडेड। आजकल जो सिचुएशन है कोविड, उसमें ये बहुत ही मतलब सही बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। जैसे कोई मूवी देख रहे हैं टीवी पे, और देखते देखते आपको लगता है वो मूवी देख रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर चले जाते हैं, वो कुछ सोचते रहते हैं, तो इसके वजह से ये स्टार्टिंग स्टेज होता है डिप्रेशन का। और यहाँ पे एक बात आती है कि वो इजीली फटीग हो जाते हैं। आप कहोगे अभी तो कहा था एनर्जी बहुत होती है, एनर्जी होती, वो एनर्जी को यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन वो जल्दी से ड्रेन भी हो जाते। निगेटिव हो जाए तो इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं वो, और ये इमोशन दोनों साइड से आते, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। और जो इनका बॉडी टाइप है, इनका जो साइकोलॉजिकल टाइप है कि हमेशा मूव होना चाहते हैं, तो इनके इमोशन भी मूव होते हैं, और इमोशन इज़ अ एनर्जी इन मोशन, दैट इज़ वाई हमेशा वो मूव करते रहते, एक जगह पे कभी ठहरते। इनका मूड अचानक से स्विंग हो जाता है, मूड स्विंग होता है, उसके वजह से कभी कभी वो चीज़ों को भूल जाते हैं, और हमेशा यही होता है उनके साथ। वो किसी से बात करेंगे उसी टाइम फ़ोन भी हाथ में होता है,
फिर फ़ोन पे किसी को मैसेज कर रहे तो कभी कॉल भी आ जाता है, तो सामने जो बंदा बैठा है वो क्या बात कर रहा है कभी भी वो देखते नहीं, सोचते नहीं, इसलिए लोग उनको ग्रांटेड लेना स्टार्ट करते। उनको फ्रिक्वेंट ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में वो डिस्टर्ब भी होते हैं, ऐसे उनको ड्रीम्स आते हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर सोने वाले तो 2 घंटे के बाद फिर से उठेंगे, घर में कुछ करेंगे, पानी पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर से सो जाएंगे, फिर से उठेंगे। मतलब हम उनकी तरफ देखते तो हमें लगता है ये क्या चल रहा है, इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या। उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनका नेचर ही ऐसा है। अगर वो निगेटिव हो जाए तो, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये क्वालिटी उनमें नहीं होती। अगर वो पॉजिटिव साइड में है, उनकी बॉडी टाइप अभी अच्छा है, उनकी बॉडी अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन अगर निगेटिव में जाए तो ये हो सकता है, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर। अब यहाँ पे बात आती है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बॉडी का। वो टॉल भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेट है कि वो बहुत ही थीन होते हैं। थीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एनर्जी कंजप्शन उतना ज़्यादा, मतलब एनर्जी जो भी वो खाते हैं, हम कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत खाते हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता उनके बॉडी के ऊपर, ऐसा क्यों है? माइंड स्टेबल नहीं है, बॉडी एक जगह पे स्टेबल नहीं है। जो भी खाएंगे वो खाने के बाद बार बार मुंह होते रहते, एक जगह पे रुकते नहीं, इसीलिए उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थीन होता है, पतले होते हैं। उसके बाद उनके बोन्स भी थीन होते हैं, मसल्स भी थीन होते हैं। ये अगर उनको कभी वेट गेन करना हो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जल्दी से वेट गेन होता नहीं है, क्योंकि जो भी खाते हैं वो बॉडी में एब्सॉर्ब जल्दी हो। स्किन डार्क हो सकती है उनकी, उसके बाद उनके हेयर्स भी थीन हो सकते हैं, हैंड्स कूल होते हैं, उसके बाद उनका जो भी बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर का मतलब जो हमें सेंस होता है उनका बॉडी, तो वो कूल होता है, वो हीट डेफिनेटली नहीं होता है। उनका बॉडी का सर्कुलेशन भी वीक होता है हमेशा। तो ये सारे उनके बॉडी में हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। का ये था वाता बॉडी टाइप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को अभी हिट कर देना वहाँ पे, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो आपके सोशल मीडिया पे आप उसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।